Hello guys, welcome to SAIO classes. Today we will discuss about verb. So be prepared, it's not a long class, so shortly we will end it. Get ready? Let's get started. First of all, we have to think that how many types of verb there are. For that, I am showing you a flow chart where verb will show its types. देखिए, मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं. पहला टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब में भी दो टाइप्स होते हैं. पहला प्राइमरी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह. एंड सेकेंड वन इज मॉडल्स. मॉडल्स में कैन, मे, शुड, नीड टू, माइट, मे, ये सारी चीज़ें आती हैं. फिर वर्ब का सेकेंड टाइप होता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं. प्रिंसिपल वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं. पहला है ट्रांजिटिव, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है. मतलब कि ऐसा वर्ब जो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. दूसरा है इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. अभी हम एग्जांपल्स समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ब होता क्या है. तो वर्ब एक्शन शो करता है, ठीक है, या फिर टेंस के रिकॉग्निशन में यूज होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इट कम्स टू हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब और टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ये या तो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करने के लिए आता है, या फिर टेंस को आइडेंटिफाई कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसमें जैसा हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसमें है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, एटसेट्रा. ये हमेशा टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं सेंटेंस में. जैसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे यूज़ होते हैं. सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल के लिए प्लूरल यूज़ होता है. इस तरीके के रूल्स हैं कुछ, उसको हम पढ़ेंगे. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में आते हैं, ताकि टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सके. मॉडल्स की बात करते हैं, तो मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू वगैरह आते हैं. ये हमेशा ही अजम्पशन, सजेशन, ऑफर्स, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी वगैरह शो करने के लिए आते हैं. बात करते हैं प्रिंसिपल वर्ब की. प्रिंसिपल वर्ब जो कि हमेशा मेन एक्शन को कहते हैं. जैसे आप कोई भी काम करते हो, जैसे प्ले, खेलना, वॉक, टहलना, ये जितने भी काम हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखा रहा हूँ, प्ले, वॉक, आस्क, रन, थिंक, बाय, स्विम, ड्राइव, ईट, टॉक, ये सभी के सभी एग्जांपल्स क्या हैं, मेन एक्शन के हैं. जो एक्शन हम करते हैं वो दिखाता है, तो इसीलिए इनको हम प्रिंसिपल वर्ब में कहते हैं. ये भी दो टाइप के होते हैं. पहला ट्रांजिटिव वर्ब. और ट्रांजिटिव वर्ब को आप पहचानोगे कैसे, तो उसका सिंपल सा तरीका है. एक ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ही अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ प्लेइंग फुटबॉल के साथ आया है, और इसीलिए प्लेइंग को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. हियर इन द सेंटेंस प्लेइंग इज अपीयर्ड विथ इट्स ऑब्जेक्ट फुटबॉल. दैट्स व्हाई प्लेइंग वर्ड इज, प्लेइंग वर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पहचानने का सिंपल सा यही तरीका है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. यानी वो सेंटेंस जिसमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, किस पर काम किया जा रहा है ये पता ना चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग. तो ही इज प्लेइंग में यहाँ पे आप देखोगे प्लेइंग का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. जैसे फुटबॉल था पिछले वाले में, तो फुटबॉल यहाँ पे है नहीं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है जिस पे वर्क हो रहा हो.
तो ऐसे सिचुएशन में हम उस वर्ब को क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. हियर इन द सेंटेंस प्लेइंग इज अपीयर विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई द वर्ड प्लेइंग विल बी कंसीडर्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके फाइन. अब देखिए, इन्हीं सभी वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं. इनके 5 फॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और लास्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म. तो इसमें चेंजेस होते हैं कुछ, मैं आपको बता दूं. वर्ब 1 जो होता है वो बेस फॉर्म होता है जिसमें मेनली वर्ब अपीयर होते हैं जिसको हम लर्न करते हैं. ठीक है. सेकंड फॉर्म जो होता है वो कहलाता है पार्टिसिपल. ठीक है. थर्ड फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. और जो फोर्थ फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रोग्रेसिव कहते हैं. और फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसमें एस या आई एस लगाते हैं तो हम कहते हैं वर्ब में एस या आई एस लग गया. ओके. तो इसे हमें लर्न करना है. समझिएगा, इसे प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड, फोर्थ फॉर्म हो जाता है प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है प्लेस. ठीक है. फिफ्थ फॉर्म में एस लग जाता है तो प्लेज हो गया. फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लग जाता है तो प्लेइंग रहता है. और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ई डी लग जाने से प्लेड हो जाता है. वैसे ही इसमें कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जो एक रूल पे नहीं चल के उनका एक अलग ही रूल होता है. जैसे ईट को देखिए, तो ईट एट ईटन हो गया है, करेक्ट. उसके बाद रीड को देखिए, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ पढ़ने का फर्क है. आप मिडिल वाले रेड को यानी वर्ब टू को आप क्या पढ़ोगे? रेड पढ़ोगे. रीड रेड रीड रीडिंग रीड्स. वैसे ही राइट रोट रिटन राइटिंग राइट्स. सी सॉ सीन सीइंग सीज. रन रैन रन रनिंग रन्स. स्विम स्वैम स्वम स्विमिंग स्विम्स. बाय बॉट बॉट बाइंग बाइस. लाइकली दिस बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं. जितने वर्ब होते हैं उतने ही उनके 5 फॉर्म्स रहेंगे. ठीक है. सो आज के टॉपिक में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. कीप एंजॉइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.